नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र के कुख्यात बदमाश ने जेल से छूटते ही अपने साथी के साथ दुकान पर रंगदारी मांगने पहुंच गया। नहीं देने पर दुकान संचालक के साथ मारपीट की और उसे चाकू मारकर भी घायल कर दिया। पुलिस ने बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। मामला बाणगंगा थाना क्षेत्र के नंदबाग का है, जहां पर क्षेत्र का कुख्यात बदमाश सचिन चीना अपने साथी राहुल के साथ क्षेत्र की दुकान पर पहुंचा और दुकान संचालक दीनदयाल शुक्ला के पास पहुंचा और कहा कि मैं अभी जेल से छूट कर आया हूं, मुझे 5,000 रुपये दो। फरियादी द्वारा रुपये नहीं देने पर सचिन चीना और उसके साथी राहुल ने दीनदयाल शुक्ला के साथ मारपीट की और चाकू मारकर घायल भी कर दिया। दीनदयाल शुक्ला ने घायल अवस्था में थाने पहुंचकर दोनों को खिलाफ मामला दर्ज कराया है। पुलिस के मुताबिक सचिन चीना पर पूर्व में भी कई अपराध दर्ज हैं, जिस पर पहले रासुका की भी कार्रवाई की जा चुकी है। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। ये नंदबाग क्षेत्र की घटना है। फरियादी हैं दीनदयाल शुक्ला। इनकी दुकान पर कल एक बदमाश है सचिन चीना, वो और उसका एक साथी राहुल, ये दोनों आए और अभी अभी राहुल जो सचिन चीना है जेल से छूट के आया है, तो इसने फरियादी को बोला कि मैं भी जेल से छूट के आया हूँ, मुझे मेरे पास पैसे नहीं है, तो मेरे को 5,000 रुपये दो। और इसी बात पे से इनसे विवाद किया फरियादी से और अड़ीबाजी की इनके साथ में, और इनको शायद चाकू वाकू भी मारा है, तो जिससे इनको चोट भी लगी। तो ये फरियादी की रिपोर्ट पर इसमें प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है और ये आरोपी जो है ये आदितन बदमाश है। इसके खिलाफ पहले पूर्व में रासुका की कार्रवाई भी की जा चुकी है और इसको अभी गिरफ्तारी के लिए इसमें टीम लगाई गई है और पुनः आरोपी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर। आई प्ले स्टोर से डाउनलोड करें टाइम स्मार्ट टीवी ऐप।